वेलकम टू माई नी ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ। आज यार 10 बजे के टाइम उठा हुआ है क्योंकि कल रात के टाइम 2 बजे सोए हूँ मैं, और घर में आया था पौने एक बजे के टाइम आया था। दिल्ली कैंट वाला जो ब्लॉग मैंने बनाया वो वाला सुनील भाई के साथ जब मैं लेट आया था, तो मम्मी भी फिर उठी रही थी मेरी वजह से कि कब आएगा। तो मैं बीच बीच में मम्मी को कॉल कर ही रहा था कि मम्मी मैं यहाँ पर हूँ करके। टेंशन रहती है यार बाहर होते हैं तो। मेरा नहीं तो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैं रात के टाइम जाके मैंने ब्लॉग बनाया। तो दिल्ली कैंट वाला आप चैलेंज देख सकते हैं जो हॉन्टेड रोड में मैं घूम फिर के आया था। आपको पसंद आई होगी तो बताना कमेंट करके। और मम्मी अभी आ रही हैं छत में क्योंकि पानी दे रही हैं अभी पौधों में। पहले इन्हें बिल्कुल सूख रखा था, अब मम्मी ने क्या करा है इसकी डंडियाँ तोड़ तोड़ के ये पूरे के पूरे अच्छे से आ चुके हैं। सब मम्मी के बतौलत हो रखे हैं जितने भी हो रखे हैं पेड़ ठीक है यहाँ पर। और हाँ, आपको एक चीज़ बताना था कि ना, चलो मैं आपको थोड़ी देर बाद ही बताऊँगा, थोड़ा सस्पेंस छोड़ देता हूँ। तो मम्मी क्या बना रहे हो? माल पानी अभी वैसा सब्जी में रहता है वही यार सब्जी देखता हूँ यार। दो कड़छिया ठंडा होना यार। तो भाई ये बन रखे आलू गोभी, तो अभी खाएंगे इसको। तो भाई ये महाराजा का जो घर है ना, ये हो रहा है रेनोवेट। इसका जो आगे का फ्रेम है ये हमने कल बनवाने के लिए दे दिए। वैसे उन्होंने बोला एक हफ्ते बाद मिल जाएगा, पर एक दिन बाद ही वो कल ही कह रहे हैं कि हम बना के दे देंगे, मतलब आज में देखते हैं आ जाएगा। तो वैसे मॉर्निंग का बोला था, मुझे तो नहीं लग रहा मॉर्निंग में आएंगे या फिर शाम को आ सकते हैं। तो बाहर की जो जाली है ये इसको भी हटा देंगे, और दूसरी जाली उन्होंने बोल रखी है कि हम लेके आ रहे हैं और वही वाला बनाएंगे। और फ्रेम देखते हैं, आपको पसंद आता नहीं आता मैं ऐसे नहीं बता रहा ज्यादा। भैया ये रख रहा हूँ हमारा खाने साथ में पनीर, जो रात के टाइम 2 बजे के टाइम में खा रहा था, इतना भरा होता है इसको आधा मैं नहीं करा, दो रोटी खा दो। सो भाई मेरी एक क्लास ओवर हो चुकी है, टाइम दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले 11:07 हो रहे हैं और 11:15 पे मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। तो तब मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ कुछ जो आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मम्मी का कुछ आइडिया। तो मम्मी अब बताओ क्या इसको ठीक कर दो, इन्होंने खरगोशों ने सारा जगह जगह पर ये तोड़ ताड़ कर दिया बेकार। तो ये ठीक कैसे होगा, मतलब कैसे मैं ठीक करने के लिए बोल दो? इसका अंदर ना पेंट कर दो सारा, वो कारपेंटर वाला आएगा फिर वो बाद में इसको कवर कर देगा, फिर अंदर वही तो करते मुद्दे पे आओ। तो भैया आप सब देख सकते हो कितना यहाँ पर अंदर दीवार खराब हो रखे, देख रहे हो इन्होंने खा रखी है, कच 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 करके पूरा खा जाते हैं। पेंट कर दो ये क्रूज ना सीखे तरह का पेंट कर। तो मम्मी कह रही है कि अंदर इसमें ना पेंटिंग कर देते हैं। जैसे कि आपको ध्यान होगा मैंने सुबह सुबह बोला था कि ना इनका गेट जो हमने बोल रखा है बाहर बनाने के लिए, वो फ्रेम आज शाम को आ जाएगा। मैंने उनको कॉल करके बोल दिया कारपेंटर को, तो वो कह रहे हैं कि मैं भी आपको कॉल कर लूंगा दिन तक आ जाऊंगा। तो मैं बोला शाम तक आ जाना, इसलिए हमें फटाफट इसमें करनी पड़ेगी पेंटिंग, पहली वॉल पेंटिंग अंदर की है ना। और रंग बता दो उसी हिसाब से तो मैं लेके आऊंगा। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर, पहले तो व्हाइटनिंग करना पड़ता है ना, व्हाइट लेकर पेंट करना पड़ता है ना, उसके बाद कलर करते हैं। मुझे भी नहीं है पता, देख लेना जो तो चॉकलेटी रहेगा, चॉकलेटी हाँ चॉकलेटी कर दो ना इसको पूरा, कुकी चमकेगा अंदर मतलब व्हाइट कलर चमकेगा उसका। ये आप कह रहे हो कौन सा है? ये है मिची, ये मिची भी इस भारी घूम रहा है, कल हमने इसके ऊपर रखा तो कुकी इसको पेलने लग गया, इसलिए इसको हमने बाहर निकाल दिया। रात भर बाहर घुमाई रात भर, और सुबह सुबह उधर ही की साइड था वहाँ पर अभी ये बाहर घूम ही रहा है और इसको अंदर डाल रहे हैं, और कुकी को ना बाहर कर दिया हमने कि भाई अब घूम जी ले अपनी जिंदगी। 22 बच्चों का बाप बाहर आ गया ये। तो मम्मी अब कलर बताओ मैं लेके आता हूँ फिर यार। तो मजी बताओ यार, अजीब सा हो जाएगा यार रेड कलर मेरे साथ। कुकी से पूछता हूँ, कुकी भाई साहब 22 बच्चों के बाप सुन तो बता, ये अभी नहीं सुन लो है। तो मम्मी फटाफट बता दो चॉकलेट ही कर देते हैं डार्क, चॉकलेट ही या फिर मैं देख लेता हूँ जॉनसन को पसंद आएगा। लाने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि ब्रश है कि नहीं है पेंट करने वाला। तो मम्मी एक बार चेक कर लो, बड़ा वाला एक बार दिखाओ। वैसे छोटा वाला की जरूरत पड़ेगी यार, छोटा वाला ठीक रहेगा मेरे हिसाब से यार, बड़े से फिर वैसे बड़ा भी ठीक है। तो भाई जब तक मैं लेके आ ही रहा था तब तक मम्मी को मिल गए यहाँ पर पुराने कलर, बताओ ये लेके आ रहा था बाहर से। वैसे जम गया यार, क्या कह रहे हो? ऊपर से जम रखा ना, शायद अंदर से हो गीला तो हो जाएगा, अभी तो सूखा सूखा से लग रहा है। बाकी इसमें भी कलर है देखो, आवाज आ रही है देखो, इसमें भी कलर में है यार, कलर है। तो फिर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो बाहर से भी खरीद के लेके आ रहा था। और ये है हमें गीला अंदर से देखो है ऊपर से सूखता है। सो भाई बाहर से लाने का दिक्कत ही नहीं, आप घर के अंदर ही मिल गया कलर। ये पैसे बच गए आना भैया, इसमें कलर मिलाना पड़ेगा, ये नहीं पता कलर कैसे मिलाते हैं, क्या क्या सामान कलर होता है। YouTube जिंदाबाद। A few minutes later. So भाई जिसको मैं डिस्टेम्पर समझ रहा था सबसे वो निकला पेंट। तो व्हाइट कलर तो हमको करना नहीं है, मम्मी कह रही है चॉकलेट रंग करना है, तो फटाफट फिर जाना पड़ेगा बाहर। और एक ही दिखा तो भाई ये ब्रश मेरे को लगा शायद ठीक होगा, फिर देखा भैया ये तो
वही नहीं रहा कुछ यार, पूरा सब तो रखा वही है। तो देख रहे तो भैया ब्रश भी लेके आना पड़ेगा यार। चलो इसका भी मैं पूछ लूंगा काम है कि नहीं है। और एक थिनर भी लेके आना है, थिनर का पता होगा आपको यूज नहीं पता तो चलो पता चल जाएगा। ये इतने का कितना ही है भैया? ये पूरा 8 लीटर है, ये तो आधा है ना आपका, ये तो आधा खाली है। तो ये रहे भैया जो लेके आए। तो भैया ये रहा देख लो आप, सेम टू सेम यही वाला है पर ये व्हाइट में है जो आप कह रहे थे पुराना वाला, और ये वाला ब्राउन में। ये मतलब पेंट ही है ये वाला, डायरेक्ट पेंट कर सकते हो इसको, इससे पेंट कर सकते हो। बाकी ये बहुत ज्यादा थिक होता है तो इसमें जैसे थिनर होता थोड़ा सा मिला दो कह रहे थे वो, है ना। और ये जो कलर देख रहे हो ये वाला जो पड़ा हुआ था हमारे पहले, इसमें ये कह रहे कि आप ये वाला कलर भी मिक्स कर सकते हो अगर आपको ये ज्यादा डार्क लग रहा है तो। सही है ना, अगर ये डार्क ज्यादा होगा तो इसमें मिक्स कर देंगे व्हाइट वाले में, तो कह रहा कि हो जाएगा, इसको भी पेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बस। तो इसलिए ये पूरा का पूरा हो जाएगा पेंट। तो भैया इसके अंदर देखते हैं कौन सा कलर है। कलर तो वैसे ब्राउन ही है पर कितना डार्क है वो देखना। ये देख लो कितना डार्क है यार, इसको मिक्स करना है इसमें व्हाइट वाले में। अगर लाइट करना हो तो वो कह रहे थे लाइट कलर करना, तो इसमें मिक्स कर दो, देख लेंगे कर लेंगे। बाकी इसको पूरा निकाल दूं मैं, निशी को इस कमरे में डाल देता हूँ। बाप बेटो भैया, ये तो निकल गया छत में भाई। सबसे पहले हमको करना पड़ेगा मिक्स क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक हो रहा है कलर, देख रहे हो 1 लीटर का है जो हमने ले रखा है इसको, और इसको मिक्स करूंगा इस वाले व्हाइट पेंट में। सो करूं फटाफट? नहीं, अभी ब्राउन ब्राउन अभी मिक्स करा मैं आपने। सो भैया ब्राउन और व्हाइट कलर मिक्स करके मम्मी देख रही है कि कितना लाइट हो रहा है। ये तो ठीक है, आप सबको पता ही है। सो आपको मम्मी इतना कलर लग रहा है सही इसका? नहीं, इसमें और कलर मिक्स करके देखो ना, ये वाला आपने थोड़ा सा ही करा है। डिसाइड ये हुआ है कि ये वाला कलर हम नहीं कर रहे, सीधा करेंगे डार्क वाले डायरेक्ट। सो भाई अब करना शुरू करता हूँ, देखने कैसा कलर होता है। स्टार्टिंग में तो पतला पतला सा होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, दो बार करना पड़ता है। सो भाई पहले वॉल की तो होने वाली है कंप्लीट, फिर बाकियों के भी करता हूँ और दिखाता हूँ सबको। सो भाई हो चुका कंप्लीट वॉल पेंटिंग। अब ये कुछ ज्यादा डार्क कलर हो गया पर मेरे हिसाब से तो ठीक है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? ठीक है मम्मी, आप ऐसी बोल रही हैं, गंदगी नहीं दिखाई देगी इसके अंदर। लास्ट में मैंने इस वाले ब्रश से इसलिए करा कि भैया कुछ ना कुछ आउटलाइनिंग रह जाती है हल्का हल्का, तो अभी इसी से मैंने करने लग गया। तो यार चलो इतना हो गया, अब वेट करते हैं वो भैया जब आएंगे लास्ट में, तो पूरा जब इसका फ्रेम बाहर लगाएंगे तो देखते हैं तब कैसा होता है। सो भाई ये चूजो के रूम का गेट बन चुका है, देख रहे हो बढ़िया सा फ्रेम बना दिया। पहले तो हमारा टेम्प्रेरी था, अब ये परमानेंट इनका बन जाएगा बढ़िया से। देख रहे हो फ्रेम कितना बढ़िया लगा रखा है। सो फटाफट अभी इसको करते हैं फिट, मैं नहीं करूँगा मतलब कारपेंटर जिनको बुला रखा है भैया को, तो वो अभी डालेंगे इस नए नवेले घर में। लाइटिंग थोड़ी सी कम हो रखी है क्योंकि लाइट तो है पर मैंने नहीं चला रखी, तो जला दे रहा हूँ। सो जो ये वॉल पेंट करा था हमने पूरा सूख चुका है और इसको भी करेंगे फिट। सो फाइनली बन चुका है कुकी बनी और मेशी और छोटे बच्चों का घर। वैसे तो इसमें रहेंगे बाप बेटे रहेंगे इसमें, मेशी और चूजा हमारा कुकी, तो पहले उन दोनों के लिए यही। तो देख सकते हो भैया, एक बार अंदर से दिखाता हूँ सबको, ये कलर जो मैंने करा था वो कितना बढ़िया हो गया है। मुझे पता है थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा आप सबको, थोड़ा क्या हुआ ज्यादा ही है, देख रहे हो बिल्कुल मजबूत बना रखा है यार भैया ने। तो यार पूरा देखो आराम से इनका रहने का, इसके अंदर कुछ डंडे वंडे कुछ डाल के बस फंसा दो, इनका एक गेट भी बन गया, बड़ा तगड़ा बना रखा भाई, वो भी सही रेट में बना दिया। और अगर आपको जानना है भैया कितने में बनाया तो भैया कमेंट कर देना, बता दूंगा। एक चीज बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन लो, आपको रहेगा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बोलता है ऐसा कुछ नहीं। तो भाई जितने का इन्होंने बनाया ना उसका 3rd टाइम्स पैसा मिला के ना भैया, एक बंदे को मैं लेके आया था उसने बोला था, पर अभी उन्होंने सही रेट में बना दिया,
देख रहे हो तब बढ़िया लग रहा है। और अगर उनसे आपको बनवाना हो ना, जो कारपेंटर भी आए थे, तो उनका नाम है शेर सिंह, ठीक है, तो उनका नंबर मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन में आ गया होगा। तो अब एक काम करता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ बाप बेटो को। भाई ये देखो, बाप बेटो को रख ही दिया, देख रहे हो, और कितना बढ़िया बना रखा है यार इनके लिए, आराम से ये इनके रहने का हो गया। अब ये तो कल रखा था तो ये कुकी ना ऊपर आ जा रहा था, यहाँ से ऊपर चढ़ जा रहा था, इसको पेल रहा था, तो तभी अब इनको यहाँ पर रख सकते हैं। बिल्कुल मजबूत बना रखा है यार, बिल्कुल स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। अभी तो ऐसा लगेगा इनको कि भैया कहाँ आ गया, भैया भैया उछल रहा जा दीजिए यार, कहाँ गया। मम्मी अभी अभी मार्केट से आई है तो मम्मी से अगर मैं पूछ लेता हूँ वैसे कि कैसा लगा। मम्मी रिव्यू तो बताओ, क्या दे रहे हो आप इसको? ठीक लग रहा है वैसे, पर थोड़ा सा ये जाली के छेद बड़े होते हैं ना, वैसे तो ठीक है, गर्मी के हिसाब से पहले थोड़ा सर्दियों के हिसाब से। अच्छा, मम्मी कह रही है कि मतलब इसकी जाली के जो स्पेस है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे से हैं, और इससे पहले जो थे हमारे पास वो चौड़े चौड़े से थे। पर इनके लिए पंखा लगाना पड़ेगा, यहाँ तो पंखा मतलब छोटे से वैसे लगा देंगे, मेरी बात सुनो। एक मैं आपको बता देता हूँ, छोटे से वैसे ठीक है, कभी बार क्या होता है इनका मुँह भाड़ नहीं आ जाता, मुँह हाथ बाहर आ जाता, बिल्ली कभी गलती से भी आई तो कभी हाथ ऐसे खींच लेती है बिल्ली, और इनकी आदत भी है मुँह बाहर निकाल देते हैं। मेरे हिसाब से ये ठीक है, ठंड के टाइम में तो आराम से रह लेंगे इसके अंदर। बस मम्मी का भी रिव्यू जान लिया, तो बस ब्लॉग हो गया खत्म।